एक हफ्ता तू यहाँ कृष्णा के साथ रुक जा, फिर देखते हैं इससे ज्यादा प्यार कौन करता है। और अगर गंगा तूने अपने आप को सही साबित कर दिया तो मैं वादा करता हूँ मैं कृष्णा को अपने पास नहीं रखूंगा और उसके बाद मेरा कृष्णा पर कोई अधिकार नहीं होगा। हमें तुम्हारा चैलेंज मंजूर है सागर। बात क्या है सागर, कुछ हुआ है क्या? सोया, उसके बारे में बताना था। गंगा कृष्णा हम दोनों को साथ देखना चाहती है, उसे पापा भी चाहिए मम्मी भी चाहिए तभी वो खुश रहेगी। अभी उसने पूछा था ना तुझसे कि मुझे उस घर से मम्मा क्यों नहीं मिल सकती और इस घर से पापा, दोनों क्यों नहीं मिल सकते मुझे। हम शायद तुम पर कभी दोबारा भरोसा नहीं कर पाएंगे सागर, कभी नहीं। तुमने नाश्ता किया? महाराज जी, जी सुबह से बच्ची भूखी, कुछ नहीं खाया इसने, ध्यान रखा कीजिए। जी एक मिनट, बाजार से कुछ मंगवाना हो तो बता दो। बड़ी समझदार हो तुम। स्नान नहीं किया और हाथ पसार रही है, इतना भी सिखाना पड़ेगा? हाँ जाके स्नान करके आ, फिर मिलेगा। माँ जी के गंगा स्नान से आने का टाइम हो गया है, पता नहीं महाराज जी ने उनकी पूजा की थाली तैयार की कि नहीं। कहाँ होगी उनकी पूजा की थाली? महाराज जी, महाराज जी, लोग सही कहते, औरत को घर के काम करने से रोका जा सकता है लेकिन जिस औरत के स्वभाव में है काम करना उसे कैसे रोक सकते हैं। ऊपर से अपने आप को बहुत कठोर जताती है लेकिन अंदर से है बिल्कुल नारियल जैसे। हाँ नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे और तो हमने सोचा तुम वो तुम्हारी पूजा की थाली। मैं ना बैठे क्या कह रही थी?
हम कह रहे हैं कि तुम गलत समझ रहे हो अम्मा जी। हमें इस घर के काम से क्या लेना देना? जो देखना था ना देख लिया मैंने। इतनी सी थी बित्ती भर की जब नीरू लेके आया, पाल पोस के बड़ा किया। तुम गलत समझ रही हो अम्मा जी। मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊ। बाबू बाबू तुम गलत समझ रहे हो। सागर ने मुझे फोन पे सब बता दिया है और मैं यही उम्मीद करूंगा कि उस चैलेंज में किसी की हार ना हो, तभी हमारी फैमिली की जीत होगी। मैं तुम सबकी खुशी चाहता हूं। इतनी उम्मीदें क्यों जोड़ रखी हैं? कैसे सबको समझाएंगे? हम इस घर में अब कभी वापस नहीं आएंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। Just leave right away। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। राहत के साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसकी गिल्ट में मैंने अपने पूरे परिवार को नजरअंदाज किया और तुमने मेरे साथ ही विश्वासघात किया। इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ कर बैठूं, चली जाओ यहां से। अबू प्लीज मेरी बात तो सुनिए। गंगा की बात पर यकीन मत कीजिए। मैंने कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दी थी, इसलिए वो झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहती है। मैंने कुछ नहीं किया। इस दुनिया में मेरा आपके सिवाय और है ही कौन? अगर आपने भी मुंह मोड़ लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? सभी लोग मेरे अगेंस्ट हैं, कह रहे हैं कि जोया को इस घर से बाहर निकाल दो, लेकिन मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं करेंगे। आप मेरे अब्बू हैं और मैं आपकी बेटी हूँ अब्बू। जब मम्मी आखिरी सांसें ले रही थी तब आपने उनसे वादा किया था कि अब जोया को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं उसके साथ हूँ। मैं जानती हूँ अब्बू, अम्मी से किया हुआ वादा आप कभी नहीं तोड़ेंगे। मुझे माफ कर दीजिए अब्बू, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अब्बू, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है जोया, चली जाओ यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए अब्बू प्लीज। चली जाओ यहाँ से। तुमसे और सागर से माफी मांगने के लायक दी। इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने कि सॉरी शब्द भी बहुत झूठा लगता है। बहुत दिल दुखाया मैंने तुम्हारा और अपने बेटे का। हो सके तुम मुझे माफ कर। ऐसे मत कीजिए, उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है आपको। जो होना था वो हो गया। पुरानी बातों को याद करने से, सोचने से सिर्फ तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इसलिए जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए। पुरानी सारी बातों को भुलाकर एक नए सिरे से
नई शुरुआत करनी होगी। थैंक यू माधुरी, और सही कहा तुमने, बीती बातों को बुलाकर नए सिरे से नई शुरुआत करनी है। काश की बात है गंगा को भी समझ में आ जाए। महाराज जी मुझे पानी चाहिए। अभी देता हूँ बेटे। नहीं गंगा बेटिया, ऐसा मत करना। मैं गंगा नहीं हूँ महाराज जी, मैं कृष्णा हूँ। गंगा तो मेरी मम्मा है, मैं बस उनकी जैसी दिखती हूँ। तू सिर्फ गंगा की तरह दिखती नहीं, आदतें भी गंगा जैसी हैं। जिस तरह अचार की बरनी में तुमने हाथ डाला था ना अचार निकालने के लिए, गंगा भी वैसे ही करती थी। जब भी रसोई में आती सीधा अचार के पास। बहुत समझाता था मैं उसे कि गंगा खुद भी डांट खाएगी और अम्मा जी से मुझे भी डांट पड़वाएगी, मगर सुनती कहाँ थी वो। आप मेरी मम्मा को बचपन से जानते हो? मेरे सामने बड़ी हुई है वो, अपनी बिटिया की तरह पाला है मैंने उसे। और बताओ ना मम्मा के बारे में प्लीज। वो छोटी थी तो क्या क्या करती थी? बहुत शैतान भी थे क्या वो? बहुत नटखट थी वो, अम्मा जी उसे शैतान की नानी कहा करती थी। अपनी उंगलियों पर नचाती थी सबको, बहुत परेशान करती थी, लेकिन सबका ध्यान भी उतना ही रखती थी वो। मम्मा और पापा बेस्ट फ्रेंड थे क्या? 36 का आंकड़ा था दोनों में। मतलब किसी न किसी बात पर उन दोनों की नोकझोंक हुआ करती थी, और छोटी सी छोटी बात पर कई दिनों तक झगड़ा चलता था उन दोनों में। तभी तो आज तक उनकी लड़ाई चल रही है, वो दोनों ही बच्ची हैं, सच्ची। अच्छा मम्मा की फेवरेट चीज क्या है? उनकी फेवरेट गेम? पतंग उड़ाना। गंगा बिटिया को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। अरे अच्छे अच्छों की पतंग काट देती थी वो, पतंग उड़ाने में बहुत होशियार थी। मम्मा पतंग उड़ाने में एक्सपर्ट है, ये तो मुझे पता भी नहीं था। आप मम्मा की बात कर रहे हो ना महाराज जी, या फिर किसी और की? नहीं बेटा, मैं गंगा बिटिया की बात कर रहा हूँ। समय और जीवन के उतार चढ़ाव ने गंगा बिटिया को बहुत गंभीर और सख्त बना दिया है। अगर प्यार से खरोचोगे ना तो एक नटखट चंचल गंगा मिलेगी अंदर। वेरी गुड, अब उसी नटखट गंगा को वापस लाने हैं हमें। मम्मा और पापा की दोस्ती करवानी है ना। थैंक यू महाराज जी। बस झगड़ने की कोई बात ही नहीं है इसमें। और कृष्णा वैसे जूही सही कह रही है, शी इज राइट, कि पतंग उड़ाना लड़कों का खेल है, लड़कियों का आता है ना। शी इज राइट। एक्सक्यूज मी, जो लड़के कर सकते हैं ना वो लड़कियां भी कर सकती हैं, और पतंग उड़ाना कौन सा मुश्किल काम है? लड़कियों के लिए तो मुश्किल है फॉर श्योर। अच्छा तुम्हें तो चरखी पकड़नी भी नहीं आती थी, हमने सिखाया तुम्हें, याद है ना? तो हेलो टाइटलाइन कॉम्पिटिशन मैंने जीता था, भूल गई तू? याद है हमें, तुमने जीता था, लेकिन हमारी वजह से जीता था सागर। मैं तेरी वजह से जीता था। गंगा प्लीज झूठ तो मत बोल, प्लीज ये झूठ बोल रही है जूही, कृष्णा शी इज लाइंग। झूठ हम नहीं तुम बोल रहे हो सागर, मोहल्ले के लड़कों के सामने हमारी वजह से हीरो बने थे तुम। अच्छा एक काम कर, ये भी बोल दे कि ना क्रिकेट भी तूने ही मुझे जिताया था, है ना? और नहीं तो क्या, हमारे कारण तुम चौके छक्के मार पाते थे, हम इतने इजी बॉल फेंकते थे। अच्छा तेरे बॉल पे ही मारता था और बाकी लड़कों के बॉल पे ही मारता था, ठीक है ना? भूल गए तुम। अच्छा तेरे वजह से मैं चौके छक्के मारता था। अच्छा तूने मुझे ना सिखाया, नहीं तू मेरी कोच है, नहीं सही बोल रहा। आप दोनों तो बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो, मैंने तो बस ये बोला कि मुझे पतंग उड़ाना सीखना है। आप दोनों में से जिसको भी अच्छे से पतंग उड़ाना आता है वो मुझे सिखा दो बस। अच्छा एक काम करते हैं, हम एक काइट कंपटीशन करते हैं, फिर पता चल जाएगा कि काइट उड़ाने में कौन एक्सपर्ट है। ओके ओके डन।
अम्मा जी, काश इन बच्चों की कोशिश सफल हो जाए। बहू, ये तो पतंगबाजी की प्रतियोगिता के बाद ही पता चलेगा। जी। जल्दी करो ना पापा, क्या कर रहे हो? हो गया, बस हो गया। हवा में उड़ रही है हमारी, अभी तक यही नीचे पड़ी है। तभी तो कह रही हूँ जल्दी करो। हमें हराएगा पतंगबाजी में। कन्नी तक तो ठीक से बांधना आता नहीं था, हमने सिखाया। और उस दिन अगर हमने छुप के सागर की मदद नहीं की होती ना, तो ये कभी जीतता ही नहीं। गंगा की पतंग तो बहुत ऊंची उड़ रही है। अच्छे से बांध लेता हूँ ना। पापा जल्दी करो, वो देखो उनकी पतंग। चलो चलो, ये लेके जाओ। हाँ, रेडी रेडी। कृष्णा, अब देखना कृष्णा, एक मिनट में हमारी पतंग उतनी ऊंची जाएगी। यस पापा। कम ऑन। डील दो। पापा, पापा क्या कर रहे हैं? मम्मा आपकी पतंग काट देंगी। कृष्णा इधर आओ, कृष्णा डील दो। गिर गया मतलब? लल्ला कहाँ गिरा? अगर तू ठीक तो है, चोट तो नहीं लगी तुझे? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है कृष्णा? अरे आप वो हंस क्या रहे हैं? अब किस आऊं ऊपर? हाथ दो। ना छोट, इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों की तरह बिहेव करते हो।
ऊपर देखकर पीछे पीछे चलोगे तो क्या होगा, गड्ढे में ही गिरोगे ना। क्या क्या लल्ला, ज्यादा चोट तो नहीं लगी भाई? देखिए अम्मा जी, अच्छी खासी चोट लगवाई है। कोई काम तुम ढंग से नहीं कर सकते हो ना। ये तो अच्छा हुआ कि सिर्फ चोट लगी, नहीं तो दो चार हड्डियां टूट जाती यहाँ गिर के। अब दवाई लगवाने की बारी आएगी तो रोगे चिल्लाओगे कि जल रहा है दुख रहा है। जब तुम्हें ठीक से पतंग उड़ानी नहीं आती है तो तुम बिना मतलब का शो ऑफ क्यों करते हो? चुप क्यों हो गई तू? तू डांट रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आई विश मुझे थोड़ी और चोट लगी होती तो और भी परेशान होती।